हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वंस अगेन वेलकम बैक टू एरो गेमिंग यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एरो आईबी एंड ये वीडियो होने वाली है M82B स्नाइपर के ऊपर। तो जितने भी डाउट्स है तुम्हारे M82B को लेकर वो इस वीडियो के बाद क्लियर हो जाएंगे। मैं अपनी पूरी सेटिंग बताऊंगा किस सेटिंग पे मैं M82B को यूज़ करता हूँ, सेंसिटिविटी क्या रखता हूँ, सब कुछ तुमको पता चल जाएगा। शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले स्नाइपर कॉम्बिनेशन जानना बहुत जरूरी है कि M82B के साथ कौन कौन से वेपन्स हम लोग यूज कर सकते हैं, मतलब मैं M82B के साथ कौन कौन से वेपन को प्रेफर करता हूँ। तो ये यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सीखने से पहले M82B ये जानना जरूरी है कि इसके साथ कॉम्बिनेशन क्या क्या यूज किया जा सकता है। तो स्नाइपर की सेटिंग सेंसिटिविटी से लेके अपने स्नाइपर चलाने की जो मूवमेंट स्पीड है वो कैसे इंक्रीज करें, ये भी मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले जानते हैं हमारा स्नाइपर कॉम्बिनेशन के बारे में। डबल M82B सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है। इसके बाद अगर बात करें तो AWM और M82B, हमेशा मैं स्लॉट 1 में AWM रखता हूँ एंड स्लॉट 2 में M82B, बिकॉज AWM से डैमेज, देन M82B से फिनिश ऑफ। उसके बाद आता है AK, यानी कि M82B प्लस AK। AK मैं हमेशा सेकेंडरी में रखता हूँ एंड M82B प्राइमरी में। अगर क्लोज रेंज की बात करें तो मैं MP5 प्रेफर कर लेता हूँ, उसको भी मैं स्लॉट 2 में रखता हूँ कुछ इस तरीके से। और अगर आउट ऑफ शॉट गन्स में बात करूँ तो M82B के साथ M1887 एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है। नेक्स्ट आता है हाइड एंड शूट। तो अगर तुम M82B चलाते हो तो तुमको हमेशा एनिमी से बच के रहना होगा, एनिमी की नज़र में नहीं आना होगा। अगर टीम की बात करें तो वहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे रेड से इंडिकेट किया है M82B प्लेयर को, तो वो थोड़ा सा अपनी टीम से दूर रहेगा, एनिमीज के ग्लू वॉल्स के पीछे से डैमेज देगा एंड उनको फिनिश करेगा। छुपने का सबसे बेस्ट तरीका है अगर M82B चलाते हो तो ये रिजेस का यूज़ करो, यानी कि जो माउंटेन के ये छोटे छोटे उभरे हुए पार्ट होते हैं, यहाँ से अगर तुम एम लोगे तुम्हारी एक्यूरेसी भी अच्छी आएगी, तुमको एक अच्छा विजन मिलेगा और बढ़िया से M82B चला पाओगे। नेक्स्ट आती है स्कोप इंट्रिक। स्कोप इंट्रिक क्या होती है, यहाँ पे स्कोप बंद नहीं होता है, नॉन स्टॉप फायरिंग होती है। ये ट्रिक मैं ऑलमोस्ट एक साल पहले बता चुका हूँ जब बहुत कम लोग ये ट्रिक जानते थे। एंड ये ट्रिक यूज़ कब करी जाती है, अगर तुम विंडो से पीक कर रहे हो, स्नाइपर टावर पे हो या फिर इन रिजेस का यूज़ कर रहे हो, यहाँ पे ये ट्रिक का यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सिर्फ तुम्हारा हेड दिखता है और तुम्हारा हेड जब दिखेगा तो वहाँ पे अगर तुमको डाउन भी किया जाता है तो तुम्हारी किल कंफर्म नहीं होगी। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये समझ लो कि इसमें अटैक बहुत अच्छा होता है लेकिन डिफेंस उतना खास नहीं होता है। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स मतलब तुम्हारा M82B चलाते हुए जो मूवमेंट स्पीड है, तुम कितनी तेज शॉट ले रहे हो, एम ले रहे हो और कितनी तेज कवर में जा रहे हो, ये होते हैं तुम्हारे रिफ्लेक्स। और ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। ऑब्वियसली एनिमी को नॉक करना ज़रूरी है अपना एम लेके एक्यूरेसी से, लेकिन उसके साथ साथ खुद का डिफेंस भी उतना ही ज़रूरी होता है। तो मैं ये बताऊंगा कैसे अपना रिफ्लेक्स तेज करें, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, बिकॉज इतनी चीज़ें तुम लोग को बता रहे हो तो तुम लोग इतना तो कर ही सकते हो। एंड सिर्फ AWM में ही नहीं, अगर मूवमेंट स्पीड की बात करें तो हर जगह काम आती है। इवन 1v2 1v4 क्लचेस करने के लिए भी तुम्हारी मूवमेंट स्पीड बहुत ही काम की है। एंड अगर बात करेंगे हम स्नाइपर की यानी कि M82B की, तो वहाँ पे भी मूवमेंट स्पीड का बहुत बड़ा रोल है। तो अब ध्यान से देखो, नॉर्मली क्या करते हो सब लोग, कुछ इस तरीके से स्नाइपर यूज़ करोगे, लाइक एम लिया एंड वापस इधर कवर में आ गए। बट सही तरीका क्या है ध्यान से देखो, जब तुम शॉट लेते हो और वापस कवर में आते हो, अगर तुम इसके बीच में एनिमी को मौका दोगे, मतलब ज़्यादा देर कवर से बाहर रहोगे, तो तुमको आसानी से नॉक कर दिया जाएगा। तो अब ये जो टाइम है इसको कम कैसे करें, यही मैं बताऊंगा, और M82B और बेहतरीन कैसे चलाएं। Step 1, एनालॉग राइट प्लस क्राउच, यानी कि एनालॉग को राइट करो जिससे तुम कवर से बाहर निकलोगे, और क्राउच कर लो यानी कि क्राउच फिर से करके खड़े हो जाओ। एंड उसके साथ ही तुमको क्या करना होगा, राइट फायर बटन को होल्ड करना होगा, एम करना होगा एंड उसको रिलीज करके शूट करना होगा। ठीक है, यानी कि ये राइट फायर बटन है, इसको होल्ड करोगे तो यहाँ पे सेटिंग क्या लगेगी, AWM स्नाइपिंग में नीचे जाओगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है नॉर्मल एंड देन दूसरा होता है होल्ड फायर टू स्कोप। तो होल्ड फायर टू स्कोप को कर लेना है सेलेक्ट। ठीक है, एंड इसके बाद जो थर्ड स्टेप है, मिली वेपन प्रेस करके एनालॉग को लेफ्ट करके क्राउच बटन फिर से दबा लेना है। ध्यान से देखो, मिली वेपन पे क्लिक किया एंड देन लेफ्ट एनालॉग करके क्राउच फिर से दबाया, और हमेशा क्राउच करके ऐसे बैठो, ऐसे निकलो, वापस क्राउच, क्राउच करके बैठो, एम लो एंड वापस क्राउच। इससे तुम्हारा जो रिफ्लेक्स है, जो तुम्हारी मूवमेंट है AWM चलाने की, और जो टाइमिंग है तुम्हारी कवर से बाहर रहने की, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी अगर इसको अच्छे से यूज़ करते हो तो। थोड़ी सी एडवांस ट्रिक है लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल कर ही लोगे, बिकॉज हर ट्रिक को सीखने के लिए थोड़ा टाइम तो लगता ही है एंड बिना प्रैक्टिस कुछ भी पॉसिबल नहीं है।
और हाँ, अगर तुम फ्री फायर के प्रोफेशनल प्लेयर बनना चाहते हो, मतलब तुम्हारे पास अच्छा गेम प्ले है लेकिन तुमको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है जहाँ पे तुम अपना गेम प्ले दिखा सको और लाखों के प्राइजेस जीत सको, साथ में डायमंड्स वगैरह भी जीत सको और खुद को एक पहचान दिला सको, तो कैसे दिलाओगे? डिस्क्रिप्शन चेक करो, game.tv का लिंक है, ऐप इंस्टॉल करो। game.tv बहुत ही लेजिट ऐप है, बहुत ही जेन्युइन ऐप है, इसीलिए मैं इसका प्रमोशन करता हूँ। स्टेप टू है रजिस्टर करना एरो गेमिंग स्क्रिम्स में। एरो गेमिंग के स्क्रिम्स होते ही रहते हैं, वहां पे अगर पार्टिसिपेट करते हो तो डायमंड्स जीत सकते हो, पेटीएम कैश जीत सकते हो एंड लाखों रुपए के टूर्नामेंट्स वहां पे हर वीक होते हैं। अगर क्वालिफाई करके जाते हो तो वहां पे भी खेल सकते हो अपनी टीम के साथ, और अगर जीतते हो तो ढेर सारे प्राइजेस जरूर मिलेंगे। और मेरे ही नहीं, बाकी बहुत सारे यूट्यूबर्स के वहां पे स्क्रिम्स वगैरह होते हैं, तो उनको भी तुम लोग खेल सकते हो। तो मौके बहुत ज्यादा हैं, ऐप को इंस्टॉल करो, खेलना शुरू करो, जीतना भी शुरू करो। नेक्स्ट आती है मोको की ट्रिक्स। सो मोको की बात करें, जब MH2B नई नई आई थी तभी मैंने तुम लोग को बता दिया था कि मोको के साथ इसका जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही डेडली है। इट्स लाइक कि एक MH2B शॉट मारोगे उसके ऊपर मार्क आ जाएगा और वो ग्लू भी लगा लेगा तो भी बच नहीं पाएगा। लेकिन अभी हम कुछ और ट्रिक्स की बात करेंगे, मतलब अगर हमारे पास MH2B है, हम लोग मोको इक्विप कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करना है? अगर नॉर्मल रैंक मैचेस खेल रहे हो, स्पेशली अगर सोलो मैचेस खेल रहे हो, तो वहाँ पे अगर तुम्हारा कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से, यानी कि MA2B और AR का कॉम्बिनेशन है, तो हमेशा पहले AR से एनिमी को हिट करो एंड जैसे ही वो ग्लू लगाए उसको MA2B से स्विच करके फिनिश कर दो, ठीक है? ये सोलो के लिए है। अच्छे टूर्नामेंट में जहाँ पे स्क्वाड टूर्नामेंट होते हैं वहाँ पे तुम अगर ऐसा ट्राई करने की कोशिश करोगे तो सभी लोग वहाँ पे एक नहीं दो ग्लू वॉल लगा ही लेते हैं, बिकॉज वो ऐसा एक्सपेक्ट करते ही हैं कि यार सामने वाले के पास MA2B होगी ही होगी। तो टूर्नामेंट के लिए नहीं, लेकिन नॉर्मल रैंक मैचेस के लिए ये बहुत अच्छी ट्रिक है। और अगर हम टूर्नामेंट की बात करें वहाँ पे हमेशा पहले MA2B शॉट मारो। नेक्स्ट आती है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी कैसे इंक्रीज करें, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो हमेशा मैं बताता हूँ, एक्यूरेसी की बात आती है तो शार्प शूटर एक स्पेशलाइज स्किल है जो कि स्नाइपर्स के लिए ही यहाँ पे निकाली गई है। स्पेशली अगर MA2B की बात करूँ तो बहुत ही ज़बरदस्त चलती है अगर हम शार्प शूटर स्किल यूज़ करते हैं, मतलब हमारी एक्यूरेसी काफ़ी हद तक इंक्रीज हो जाती है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे मैं कुछ ऐसी भी चीज़ बताऊंगा जो यहाँ पे तुमको शार्प शूटर स्किल के बारे में नहीं पता होगी। शार्प शूटर बेसिकली एम असिस्ट बहुत ज़्यादा हद तक इंक्रीज कर देता है, मतलब ये कि अगर हल्का फुल्का तुम्हारा एम मिस भी होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, एम ऑटोमेटिक बॉडी पे चला जाएगा। लेकिन यही एक डिसएडवांटेज भी है शार्प शूटर का कि कभी कभी अगर तुम्हारा एम अच्छा खासा हेड पे भी होगा ना तो भी तुम्हारा हेड शॉट नहीं लगेगा और वो बॉडी कनेक्ट हो जाएगा। तो थोड़े बहुत डिसएडवांटेज भी हैं शार्प शूटर यूज़ करने के, वो यहाँ पे मैंने इसीलिए मेंशन कर दिया। बाकी शार्प शूटर बहुत ही बेहतरीन स्किल है बिकॉज हम बॉडी शॉट पे ही बहुत काम कर देते हैं अगर हम स्नाइपर चलाते हैं तो, एंड स्नाइपर के लिए ज़रूरी नहीं है हेड शॉट पे ही जाओ। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताता हूँ कि यार ये जो स्नाइपर है ना इस MA2B, ये टूर्नामेंट्स में बहुत ज़्यादा काम की हैं एंड अगर इसको टूर्नामेंट में यूज़ करते हो तो बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा। और अपने टीम में एटलीस्ट एक स्नाइपर रखना आजकल मैंडेटरी हो गया, बहुत ही ज़रूरी है। और एक क्वेश्चन लोग का रहता है क्या ये नो रीलोड ट्रिक जो है ये ग्लिच है? तो हाँ बिल्कुल ये एक ग्लिच है, बिकॉज इसमें होता क्या है, जब हम स्नाइपर को स्विच करते हैं तो वहाँ पे जो सिस्टम है वो ये नहीं समझ पाता कि हमारी जो स्नाइपर से एक गोली ऑटोमेटिक निकल चुकी है, तो वो एक इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है एंड वहाँ पे सिस्टम को लगता है कि भाई अभी तो गोली निकली ही नहीं है। इन फ्यूचर ये ट्रिक हटेगी या नहीं हटेगी आई डोंट नो, बट तुम लोग यहाँ पे ज़रूर बताओ मुझे क्या यहाँ पे इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए कि जो हमारी स्नाइपर रीलोड ट्रिक है ये हटनी चाहिए या फिर नहीं हटनी चाहिए, अगर हटती है तो क्या होगा, अगर नहीं हटती है तो क्या होगा। तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो ज़रूर बना दूंगा अगर तुम लोग कमेंट करके बताओगे तो। और हाँ, अभी मैंने अपने गेम की सेंसिटिविटी नहीं बताई है कि मैं कितनी रखता हूँ, तो मैं 100 रखता हूँ। एंड क्यों रखता हूँ ये मैं ऑलमोस्ट डेढ़ साल पहले एक वीडियो में बता चुका हूँ, तो वो वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसको अगर देखोगे तो तुमको पूरी स्नाइपिंग आ जाएगी। लिटरली मैं बोल रहा हूँ, मैंने एक साल से भी ज़्यादा टाइम पहले ये वीडियो बनाई थी एंड आज भी मैं बोलता हूँ उसमें मैंने जो जो बताया है एक एक बात अभी भी तुम्हारे उतने ही काम किए। तो उस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसका नाम है टॉप 10 AWM टिप्स एंड ट्रिक्स, वो देखोगे तो तुम्हें स्नाइपिंग काफ़ी अच्छे से आ जाएगी। बाकी MA2B का तुमको आइडिया लग ही गया होगा कि किस तरीके से MA2B फ़ायदा देती है। वीडियो पसंद आई हो तो हार्डवर्क के लिए लाइक करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर सेट करना, और जो भी तुमको वीडियोस चाहिए कमेंट में ज़रूर बताना, और हाँ अपने एक फ्रेंड के साथ एटलीस्ट इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। टिल देन गुड बाय, सभी अपना ख्याल रखना और हाँ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना।